और ये मज ने गेंद चलाई और आउट। भैंस को बोल कर आते हुए और पीछे होए भैंस बोल कर आ रही है उसे देख ले लो यूट्यूब भैंस बोल कर आ रही है नाजरीन ये देखे ये बहुत अच्छी बोल वाओ इंटरेस्टिंग वाजिद हुसैन चल गया चल चल जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं नहायत ही अदब आना मैच हो रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं दानिश सईद राबिया सईद धोनी के वाले तैयार है बल्कि इन्होंने करवा दिए हैं और बड़े पुरजोश अंदाज में बैट्समैन खेल रहे हैं। नाम तो इनका मुझे नहीं पता लेकिन शक्ल से ये किसी बिच्छू की उलाद लगते हैं। तो देखते हैं अब हमारे ये बगैरत बंदा जो ये हमारे मार बहुत अच्छा चवल मिला लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि इन्होंने बहुत घटिया चवल मारी है जो भी मारी है कमाल मारी है। किसी से डिस्कस कर मैं थक गया हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं इनसे पूछते हैं ये जो मैच हो रहा है इसके बारे में पूछते हैं जी ये जो मैच हो रहा है मुझे भी पता ठीक है ये जो मैच हो रहा है आप इसके बारे में क्या कहेंगे भाई इसमें बड़े बड़े गुरीले खेल रहे हैं टोबर टैक्सिंग जो गुरीला जैसा कि आपने देखा कि भैंस पूरी कोशिश की क्या जाना नहीं काम रहे तो आइए हम वो अपनी पुरानी बात पर चलते हैं। आपको जैसा कि पता भी है गुरीले खेल रहे हैं गुरीलों का काम गुरीलों वाला होता है उसको कैच कहाँ पकड़े जाए दरवाजे को जाकर देखे टोबा टैक्सिंग की बाउंड्री भी आ चुकी है इस वक्त ओपनर और इस तरह नसीर मलंगी आएगा ओपनर और देखते हैं इनकी बैटिंग शुरू होगी। आपने जो खड़ा तैयार किया हुआ है जानवर तैयार है मेरे साले डीपी ने तैयार ये जो ये जो खड़ा है इसमें हर किस्म के जानवर खेल रहे हैं कूद रहे हैं तैर रहे हैं तो आप जहाँ से आएंगे क्या आपको कैसा लग रहा है ये सबको एक मिनट रोक स्टॉप कर आइए नाज़रीन अब हम आपको ले चलते हैं उन बैट्समैन की तरफ जो दिखने में तो गांव लगते हैं लेकिन बहुत कमाल है तो आए अब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस चिड़ियाघर में या जो भी है इसमें कैसा लग रहा है। आए आए मैं हूँ सॉरी मैं उनसे उनकी बोली पे बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल से वो बारी लेने में मसरूफ हो गए तो आए बात करते हैं यार आप ये जो खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं आप अपने उसमें जाएं अस्तंबल में और जाके चारा चारा खाएं पटे पटे खाएं आप यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे ये देखिए नागन की औलाद कैसे बॉलिंग करवा रही है ऐसे स्टाइल से करवाते हैं जैसे डंग लेकिन आए बात करते हैं आए आए बड़ी मुद्दत के बाद कोई याद था यार निभाजे रहने दे आप क्या कर रहे हो कैसा लग रहा है एक भैंस बैट से हाथ में पकड़ा हुआ है और इसकी धूम तो है नहीं तो मेरे ख्याल से काट दी गई है तो अब हम आए किसी और की तरफ चलते हैं आए कम उन कम आए 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 हमारे कुप्तान थे तो आए उनसे बात करते हैं कुप्तान जी कुप्तान बड़ा यूट्यूब तू आएगा आए 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 भागे मत कैमरे की आंख आपको देख रही है आप भागे मत हम ऐसे जांच करेंगे इनके खिलाफ इन्होंने हमें गाली निकाली है अपनी हीला मंडी बंद करो दहो जाओ यहाँ से चलो ये हमें जलील कर रहे हैं लेकिन हम भी बड़े डीट है नहीं जाएंगे
हम पूरी मीडिया को इकट्ठा करके, हम पूरी मीडिया को इकट्ठा करके इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इन्होंने हमारी जो हमारे घर वाले बाहर बैठे हैं मैच देख रहे हैं, पता नहीं देख भी रहे हैं कि अभी देख ही रहे हैं, इनसे बात करते हैं जी। आपको ये कैसा लग रहा है अजीत चिड़ियाघर? हर किस्म का जानवर यहाँ पर है, आप क्या कहेंगे? जिराफा कहाँ है? जिराफा छुट्टी में क्या हुआ है? चलो ठीक है। तो नाज़िम जिन्होंने हमारे साथ पंगा किया था, हम उससे बात करें, न्योले भी बात करते, ये वो न्योला है जो शाम के साथ लड़ता नहीं है, तो बड़ा अजीब किस्म का न्योला, इसका मुंह न्योला जैसा पर ये न्योला नहीं है। और कदू यूट्यूब से लग रही है, इधर आओ भाई, इधर आओ, न्योले के मुंह वाले। आपने मेरे साथ पंगा किया था, आप बोले खुला खुला ज्यादा हो रही थी। ये पीछे से आए हैं, बड़े अजीब किस्म का जानवर है यार, न्योलों को पीछे से जाकर पकड़ा, पता नहीं क्या कर रहा था, मैं तो देख नहीं सकता। अल्लाह तौबा माफी दे, मैं थक गया हूँ जरा, मैं थक गया जरा, ब्रेक सांस ले यार। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते, आपकी जिंदगी जान दे, साडी वाली जान दे। जी बिल्कुल है। जब आप बचपन में थे तो आप ऐसी हरकतें करते थे? बिल्कुल नहीं। माँ पे करण नहीं देना? बिल्कुल नहीं। क्या आप इनमें से कोई गुरीला देख सकते? बिल्कुल नहीं। मौलवी जी दौड़ जाओ, इमाम में बांदरियों को छोले डाल दे, मौलवी साहब खड़े हो, पहले मेरा छोला खाना। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप उस मौसम की स्टोरी बताइए जब आपकी बहन के साथ रेप किया गया।